नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्णा एग्रो सीहोर के द्वारा बनाए गए हुए इस तोतापहल मिनी पिलाऊ कुशली, आप जो भी इसको बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। हमारे इधर कुशली बोलते हैं इसको। पांच फाली की ये कुशली है दोस्तों, बहुत ही मजबूत और बहुत अच्छी जुताई इसके द्वारा खेतों में होती है। आज के इस वीडियो में हम ट्रैक्टर पर इसको चला के भी दिखाएंगे आपको। अभी देखिएगा, पूरा ये सिंगल फ्रेम में बना हुआ है, एक ब्लेड इसका, बाकी अगर आप देखेंगे ऊपर से भी इसकी मजबूती दोस्तों बहुत ही अच्छा, तीन फ्रेम वाला है। आप देखिएगा ऊपर से कैसे तीन फ्रेम में बना हुआ है, बहुत मजबूत जकड़ है, अच्छा वजनदार है। बाकी अगर आप इसको पूरा लगाएंगे खेत में तो ये ट्रैक्टर को भी उठा देता है दोस्तों, चलने नहीं देता है ट्रैक्टर को, इसलिए हिसाब से इसको लगाना होता है। आप देखिएगा अभी इसकी पांच ब्लेड कितने मजबूत है। और अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो हमारा ट्रैक्टर है जॉन डियर का 5042D, 42 HP का ये ट्रैक्टर है दोस्तों। अब देखते हैं इसको हम चला के। आप ट्रैक्टर देख लिया, अपनी कुशली देख ली, अब इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको देखेगा ये हमने इसको घुमाया, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से खेतों में लगता है धीरे से। अगर आप देखेंगे ये कितनी अच्छी जुताई करता है, ये बखर और पिलाऊ दोनों के बीच की जुताई करता है दोस्तों, ना ज़्यादा कम करता है ना बहुत ज़्यादा करता है, बट ये बखर और पिलाऊ दोनों के बीच की जुताई करता है। बहुत अच्छी जुताई होती है, कम समय कम लगता है इसमें। आप देखिएगा क्योंकि पांच फाली का जगह ज़्यादा लेके चलता है। बाकी अगर हम अभी इसको इतने पे ही चला पा रहे हैं हमारे ट्रैक्टर पर, अगर ट्रैक्टर में और अधिक जान होती तो हम इसको पूरा लगा देते। अगर इससे हम थोड़ा सा भी नीचे डाउन करते हैं इसको तो ट्रैक्टर आगे से उठने लगता है, ये चल नहीं पाता है ठीक से, क्योंकि अभी खेत भी कड़क हो गए, गेहूं कटे करीब 1.5 से 2 महीने हो गए। अगर ये गेहूं कटने के जस्ट 10 या 15 दिन में लग जाती तो बहुत ज़्यादा लगती, पर अभी समय खेत बहुत ज़्यादा कड़क हो गए और ट्रैक्टर में भी इतनी ताकत नहीं है कि पूरी इसको कुशली को लगा के ट्रैक्टर आपस में खींच दे दोस्तों। अगर हम पूरी लगाएंगे तो ये देखिएगा अभी कितनी लग रही है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो हमने इसको 2020 में 40,000 रुपये का लिया था, पर उस समय कुछ और भाव थे और अब भाव अगर आप देखेंगे तो और ज़्यादा ही दिखेंगे आपको, 45 से 50 हज़ार रुपये के आसपास आपको अब ये देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इसकी जुताई होती है। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा इसके खेत में भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर इसने जुताई की हुई है, आपको पास से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा कितना बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी के समय में खेत कड़क होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा कुछ बड़े बड़े ढीमड़े निकाल रहा है खेतों में। अब देखिए इस प्रकार से इसने जुताई की है, पास से दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा गहराई इसने ली हुई है, बखर से तो ऑलमोस्ट डबल गहराई इसने ली हुई है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक